नागपुर से चीन में करीब 3 महीने पहले दस्तक देने वाले कोरोना वायरस ने अब भारत की भी परेशानियां बढ़ा दी हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के नागपुर में अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के 5 संदिग्ध मरीज अस्पताल से भाग चुके हैं। देर रात हुए इस घटना के बाद शहर में अलर्ट घोषित कर दिया गया। मरीजों की तलाश जारी है। इनमें से एक मरीज का कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आया था और वहीं 4 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना संदिग्धों के भागने से पूरे शहर में हड़कंप मच चुका है। पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। जानकारी के मुताबिक भागने वाले सभी संदिग्धों को नागपुर के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में इन सभी को कोरोना की जांच के लिए निगरानी में रखा गया था। शुक्रवार को देर रात 5 मरीज को स्नैक्स खाने के बहाने वार्ड से निकले और वापस लौटकर नहीं आए। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए नागपुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एस सूर्यवंशी ने बताया कि 5 मरीजों में से एक का टेस्ट नेगेटिव आया था, बाकी अन्य 4 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हमने सभी का पता लगा लिया है और उन्हें प्रशासन द्वारा वापस अस्पताल में लाया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संदिग्धों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर सहित 5 शहरों नवी मुंबई, थाने, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में स्विमिंग पूल, जिम और थिएटर को 31 मार्च के लिए बंद कर दिया है। रात में तकरीबन 11 बजे मेरे को सूचना मिली कि वहां से जो सस्पेक्टेड 4 लोग थे, 5 लोग थे, उसमें से एक का रिपोर्ट निगेटिव था और 4 का रिपोर्ट आने का था, तो वो खुद ब खुद चले गए करके। वो तफ्तीश करने में मैं हॉस्पिटल गया। मैं हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ के डीन से मिला, वहाँ वार्ड में गया, वहाँ से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद पता चला कि जो 4 लोग थे, एक्चुअली वो 5 लोग थे, 5 लोग वहाँ पे चाय पीने के बहाने, नाश्ता करने के बहाने से वार्ड से चले गए और उसमें से एक का निगेटिव रिपोर्ट था। तो 4 थे, 4 लोग वहाँ से परस्पर चले गए थे। फिर उनको उनका एड्रेस, उनका ये फोन नंबर लिया, उनसे बात किया मैंने, तो वो खुद को आइसोलेट करके रखे हैं। और अभी सुबह भी उनसे मैं बात किया तो वो 10-11 बजे तक मैं हॉस्पिटल में वापस आने वाले हैं। उनको लाने की कुछ कार्रवाई होने वाली है क्या? लाने की कार्रवाई तो पुलिस की तरफ से नहीं होगी, ये मेओ प्रशासन, मेओ हॉस्पिटल, मेओ प्रशासन है और जिलाधिकारी कार्यालय, इनके तरफ से होंगी। लेकिन हमारा उनसे उनके साथ कम्युनिकेशन है, क्योंकि काफी सेंसिटिव इशू है ये कोरोना वायरस संबंधित। अब वो मेओ प्रशासन के खिलाफ उनके मन में कुछ इरिटेशन था, इसलिए वो वहां से गए। ऐसे मैंने जब बात किया, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। उनका ऐसा कहना था कि जो कोरोना वायरस से बाधित पेशेंट है वहां पे, जो आइसोलेट करके 24 नंबर वार्ड में रखे थे, और उनको जो बाकी जो सेफ्टी देना था, अब इनका रिपोर्ट आना बाकी है, तो उनका जो ये उनका कहना था कि हमारे को उनके साथ नहीं रखना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था, इसलिए वो वहाँ इरिटेट होकर वहाँ से चले गए। नहीं, उनकी सूचना मेओ में हमारा जो पुलिस बूथ रहता है वहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉय रहता है, वो कर्मचारी रहता है, उन्होंने पहले दिया। एक्चुअली उन्होंने पहले उनको दिया, फिर उन्होंने हमको दिया। तो एज अ नाइट ऑफिसर करके मुझे वहाँ जाना था और फिर वो मेरे जो सीनियर अथॉरिटी है उनको भी मैंने जो है इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया और वो सबको बताया था ये सारी चीजें। अभी ये समय तक कितने लोग वापस आ चुके हैं? अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी थोड़ी बात हुई थी तो वो उनका बोलना था कि 10, 10:30, 11 बजे तक हम वापस वहां आ जाएंगे। और मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप सस्पेक्टेड है, अभी आपको तो हुआ नहीं है, लेकिन आप ट्रीटमेंट के लिए मैं हॉस्पिटल वापस आ जाए करके, तो उन्होंने पॉजिटिव ये दिया था। लेकिन उनमें उनके मन में कुछ थोड़ा बहुत कशस थी कि वो जो उनके साथ ये हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.